हेलो दोस्तों, ये TFT जो MT के वर्जन है वो चल रहा है अभी का टाइम में, तो मैं इसको अभी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और इस वीडियो में बताऊँगा किस तरफ आपको इसको लेना है टूल को और ओपन करना है। तो इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉलेशन पासवर्ड मिलेगा, इस पासवर्ड को आपको कॉपी कर लेना है। कैपिटल में TFT है पासवर्ड, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। फिर इसको डबल क्लिक करना है यहाँ पर। तो जैसे डबल क्लिक करोगे इस तरफ इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे मोर इन्फो पे क्लिक करना है, रन एन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद पासवर्ड आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद ओके कर देना है। तो जैसे ओके करोगे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में बताऊँगा आपको ये टूल किस तरफ आपको लेना है और कहाँ पर आपको वन क्लिक में आपको मिल जाएगा टूल। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, तो देख सकते हैं ये जो है इंस्टॉल हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जैसे क्लिक करोगे इस वेबसाइट पे आ जाओगे। तो आने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। इस वेबसाइट पे जैसे आओगे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे नीचे आना है। तो यहाँ पे नीचे आपको आ जाना है पूरा। नीचे में आने के बाद आपको यहाँ पे तो ये लिंक वन लिंक टू, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। और यहाँ पे डाउनलोड लिंक जो लिखा है इस पर अगर क्लिक करोगे तो ये वाला वर्जन आपको लेटेस्ट वर्जन आएगा, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड होगा। इस पे भी आपको क्लिक नहीं करना, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्डल जो वर्जन है उसको आप अभी के टाइम में फिलहाल ये वर्क नहीं कर रहा। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं न्यू लिंक जो लिखा है इस पे आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद ये न्यू लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे न्यू लिंक पे क्लिक करोगे दूसरा वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रीडायरेक्ट होकर दूसरा एक वेबसाइट ओपन होगा। तो यहाँ पे ये दूसरा वेबसाइट ओपन होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे ओपन होगा तो यहाँ पे भी आपको स्क्रॉल डाउन करना है, तो आपको इस तरफ नीचे नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन कर देना है। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे डाउनलोड लिंक लिखा है, तो और डाउनलोड वन डाउनलोड टू इस तरफ लिखा है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो डॉक्यूमेंट लिखा है नेम इस पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, तो जैसे यहाँ पे नेम पे क्लिक करोगे तो आपका ये टूल यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप टूल को जो है ले सकते हो। तो इस तरफ आप टूल को लेना है। तो ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, एक्सट्रैक्ट होने के बाद इंस्टॉल हो चुका है टूल। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस तरफ आएगा TFT MT के वर्जन जो 7.0 वर्जन है। तो इसको आपको डबल क्लिक करना है, तो इसको डबल क्लिक करना है। और इसे डाउनलोड करने से पहले आपका जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है या तो कोई भी एंटीवायरस है उसको आपको ऑफ कर देना है। उसको ऑफ करने के बाद आपको टूल को लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैंने डबल क्लिक किया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है टूल ओपन हो चुका है। जैसे डबल क्लिक करोगे तो इस तरफ इंटरफेस आएगा, ओपन हो जाएगा टूल। तो आने के बाद इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वर्जन पे क्लिक करोगे यहाँ पे प्लीज़ वेटिंग आएगा। आने के बाद आपको यहाँ पे मॉडल जो भी है आप चूज़ करके काम कर सकते हो। तो मैं ओपे में चलता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब सारा जो है ऑथ वाला है, ऑथ मतलब PM पे MTK CPU का है। तो सारा MTK CPU है इसके अंदर, MediaTek चिपसेट है। तो इस तरफ आपको टूल को लेके यूज कर लेना है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया किस तरफ आपको टूल को लेना है। इस वेबसाइट पे जाके ये न्यू लिंक पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दूसरा वेबसाइट ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप टूल को ले सकते हो। टूल का MB जो है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कितना MB का है। तो टूल का MB जो देख सकते हैं यहाँ पे 77.9 MB का है टूल। तो इसको लेके आप यूज कर सकते हो अभी का टाइम में। जो लेटेस्ट वर्जन है TFT का वो अभी ओपन नहीं हो रहा, एरर आ रहा है। तो इस वर्जन को आप यूज कर सकते हो, इस पे सारा MediaTek का है। तो यहाँ पे टेक्नो में क्लिक करता हूँ। टेक्नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं UFI MediaTek, ये सारा MediaTek का है। तो इसको आप यूज कर सकते हो MediaTek के लिए। अगर आपको क्वालकॉम वाला चाहिए तो इस वेबसाइट पे जाइए। इस वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे होम पे चला जाइए। होम पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्वेलकॉम वाला अगर चाहिए तो यहाँ पे आप नेक्स्ट करके इसके अंदर आप टूल
यहाँ पे क्लिक करके इसके अंदर आप देख सकते हैं जो भी है आपके यहाँ पे क्वालकॉम सीपीयू वाला, तो यहाँ से लेके यूज कर सकते हो।